पर ना पीछे पीछे आते श्री इधर आज श्री इधर ही रुको विजय साथ में श्री इयररिंग की पहले तो जानना चाहूंगा कि कोर्ट पे क्या कुछ इयररिंग हुई है आज जज से क्या हां उनकी बेल नहीं हुई और उनको डायरेक्ट कस्टडी में और जेल में भेज दिया। ओके आज यू नो आपका मेडिकल था क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं गई थी चार पाँच घंटा मेडिकल था और वो रिपोर्ट पुलिस के पास है बस वो कोर्ट में पेश करेंगे मुझे मेरे पास नहीं है। और क्या कुछ आपकी मांग है क्या क्या होने वाला है? मांग वांग क्या है मांग बस यही है कि आगे प्रोसीजर क्या रहेगा मुझे नहीं पता है। मेरे एडवोकेट और पुलिस अपना काम कर रहे हैं मुझे देश के कानून पर और पुलिस पे भरोसा है। क्या कुछ और सबूत आपकी तरफ से पेश होने वाले हैं उसके बारे वो मीडिया ट्रायल में नहीं बता सकते सारे सबूत कोर्ट में होते हैं मीडिया में नहीं बता सकते आप जानते हो ये गुनाह है मैं गुनाह नहीं करना चाहती। पुलिस है हमारी पुलिस काम कर रही है मुझे मुंबई पुलिस पर भरोसा है इंडिया की पुलिस पर भरोसा है सब अच्छा होगा। और गॉड है राखी जी कई हद तक रितेश जी भी सपोर्ट करते हुए हाँ, नजर आ रहे हैं उन्होंने तो देखा है ना मुझे वो काफी सपोर्ट कर रहे हैं आपको उसके बारे में आप क्या कुछ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी रितेश का क्योंकि मैंने भी उनके साथ कुछ वक्त गुजारा है गोल्डन मोमेंट उन्होंने मुझे देखा है कि जो इल्ज़ाम आदिल ने मेरे पे लगाए हैं तो वो इसीलिए वो सामने आया कि राखी ऐसी नहीं है तो ये मैं शुक्रगुजार हूँ रितेश की। उनका इंडिया में आना क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में एक हमारी जिस तरह हमें इन्फॉर्मेशन आप उनके इंटरव्यू लीजिए ना जी तो वो अगर इंडिया में इंडिया आने की संभावना कितनी है उनकी आपकी आपकी बात हुई इस दौरान आपकी कुछ बात नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई मुझे मैसेज आया कि मैंने एक बस ऐसे ही बस मेरी नहीं ज़्यादा बात हुई है उनसे वो कंसर्न थे इज वेरी सैड अबाउट मेरी मॉम एक्सपायर हो गई। आदिल के घर वाले के कोई संपर्क कर रहे हैं आपको कोई बात करने की कोशिश कोई बात नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके घर वाले उनकी मम्मी या फिर कोई एक कल आया था एक बार उनकी मम्मी का फ़ोन क्यों कर रहे हो मेरे बेटे पे केस ये वो मैंने कहा मैंने आपको कितनी बार समझाया था आपका बेटा ही नहीं समझ रहा मैंने उनकी माँ को बोला उनकी आंट को बोला छोड़ दो सात महीने से वो बस यही बोल रहे वो है बच्चा है ये बच्चा है नहीं 30 साल का ऐसा जुल्म करता ये बच्चा है फिर भी उनके कहने पे मैं हमेशा माफ कर देती थी। काफी सारी बातें आ रही मेरे शरीर जो मेडिकल हुआ है वो पुलिस से पूछिए हाँ डॉक्टरों से पूछिए बस मैं क्या कुछ मेडिकल हुआ वो नहीं बता सकते वो नहीं बता पाएंगे मैं जा रहा हूँ राखी 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 रेस्टोरेंट ऐसा है राखी जी एक मिनट जी बोले थोड़ा सा नीचे हाँ एक मिनट हाथ में दिग्विजय दिग्विजय हाथ में पूछो बस यहीं पे खड़े रहो भाई अम्मा नहीं पूछ ठीक है राखी जी आज आपका मेडिकल हुआ और आज कोर्ट की पहली हियरिंग भी थी पूरे दिन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सुबह से मैं टायर्ड ही हूँ और पूरा मेडिकल हुआ आज लेकर गए तो बहुत सारे प्रोसेस थे वो सारे हुए हैं तो सारा रिपोर्ट तो उनके पास है मुझे मेरे पास नहीं है मेरी बॉडी में जितने भी ज़ख्म है वो उन्होंने देखे हैं और नहीं 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 तो वो सब उनके पास ही है पुलिस के पास है मेरे पास कुछ नहीं है कोर्ट में हो जाएगा मुझे कुछ नहीं पता है मेरा से मेडिकल हुआ है बस किस बिहाफ पे मेडिकल हुआ अगर कुछ आपको मुझे आपको नहीं पता है इन्फॉर्मेशन दी रहेगी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कुछ वो आप सब सीक्रेट है पुलिस का मामला है कोर्ट का मामला है वो प्रोसेस है प्रोटोकॉल है वो करना ही पड़ता है जी बहुत बहुत शुक्रिया। और राखी जी आज पहली इयरिंग थी अगर कुछ आप कोर्ट की इयरिंग क्या किस तरह से उन्होंने बेल डाली थी तो बेल नहीं मिली है और शायद उनको किसी जेल में भेजा है आई डोंट नो वेयर सेकेंड इयरिंग कब है क्या आई हैव नो आइडिया
फाल्गुनी हाँ आपकी अगर मेरी एडवोकेट ही बताएगी अभी नहीं नहीं सीक्रेट रखिए थोड़ा सा क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं कर सकते आप समझ रहे हो मीडिया में जी, जी, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी मेरा केस कोई भी कमजोर पड़े नहीं प्लीज ठीक है आप समझ सकते हैं ना थैंक यू अरे भाई वो सब ऑफ द कैमरा पूछते हैं।